नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में शुरुआती दो घंटों में 12% मतदान, लंबी कतारों में मतदाता उत्साह के साथ कर रहे हैं वोटिंग। कांग्रेस पार्टी दिल्ली मुख्यालय में आज जारी करेगी हरियाणा चुनाव के लिए घोषणा पत्र। बीजेपी भी विकसित हरियाणा विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रचार अभियान में डटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना का करेंगे शुभारंभ। माता पिता पेंशन खाते के जरिए बच्चों के भविष्य के लिए कर सकेंगे बचत। ज्ञानवापी पर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की ओर से वैज्ञानिक सर्वे की मांग, कहा बिना खुदाई के सर्वे नहीं होगा पूरा। लेबनान में पेजर फटने से 9 लोगों की मौत, ईरानी राजदूत समेत 3,000 लोग घायल। अमेरिका का हमले में शामिल होने से इनकार, हिजबुल्ला ने किया इसराइल से बदला लेने का ऐलान। और चेस ओलंपियाड के सातवें दौर में आज भारतीय पुरुष टीम का चीन और महिला टीम का जॉर्जिया से होगा मुकाबला। टूर्नामेंट में पहली बार स्वर्ण पदक पर भारत की नजर। और आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव की। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। 24 विधानसभा सीट पर पहले चरण में सुबह 9 बजे तक 11.11% मतदान दर्ज हुआ है। अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत 10.26%, डोडा का मतदान प्रतिशत 12.90%, किश्तवाड़ में 14.83%, कुलगाम में 10.77%, पुलवामा में 9.18% और रामबन में 11.91% मतदान अब तक हुआ है। पहले चरण की 24 सीटों में कश्मीर संभाग में 16 विधानसभा सीटें और जम्मू संभाग में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं जिन पर मतदान जारी है। और पुलवामा में अलग अलग पोलिंग बूथ के सामने मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है। इस संदर्भ में हमारी रिपोर्टर यानी कि संवाददाता रमा त्यागी ने बात की मतदाताओं से, देखिए। मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है और क्योंकि ये मतदान का पर्व है तो आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ्स हैं उन्हें भी किस तरह से सजाया गया है, पूरी सजावट उनकी की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो फैसिलिटीज हैं वोटर्स के लिए वो यहाँ पर रखी गई हैं। पूरा वो मतदान कर्मियों का जो स्टाफ है वो यहाँ पर जो मतदाता आ रहे हैं उनको सुविधा दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरह से उनको मतदान करना है, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या हम चाहते हैं। यहाँ अमन होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए और खुशन हमारे कस्बे में तरक्की होनी चाहिए, हमारा कस्बा खूबसूरत होना चाहिए। जो उम्मीदवार हमारा काम करेगा उसको वोट डालेंगे। उसको वोट डाल चुके हैं। तो सुबह सुबह आप आए, आपको इंतजार था कि कैसे जल्दी से सुबह और मैं वोट डालूं। सुबह सुबह आए हम इसलिए कि हम जल्दी जल्दी अपना वोट कास्ट करें। काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, टाइम से पहले यहाँ पर वोटर्स आ चुके हैं और जो फर्स्ट वोटर है वो भी अपना मतदान कर चुके हैं। महिलाएं हैं वो भी बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं, बुजुर्ग बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं। उनका कहना था कि काफ़ी एक्साइटमेंट है उन्हें इस बार मतदान को लेकर, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर शांति हो, विकास हो, तरक्की हो। और वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर और डीएम राजेश कुमार शवन ने कहा कि मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं मेरे पास और 179,000 वोटर्स हैं
429 पोलिंग स्टेशन है जिसमें 130 के करीब क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है। सिक्योरिटी के एलिब्रेट अरेंजमेंट हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं और उसके बाद आपका लोकल पुलिस भी है और किसी को डरने की कोई बात नहीं है, निडर होकर लोग आएँ और अपना वोट डालें। और वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी हरविंदर सिंह के मुताबिक लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से घरों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील भी की। हर एक जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे जो हमारा एक्चुअल पोल हो रहा है वो शुरू हो चुका है और काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों से। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम अच्छी तरह से जो एक वोटर टर्नआउट है अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे। लोगों के लिए यही मैसेज होगा कि देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और काफ़ी उत्साह है लोगों में जो लाइन में लगे हैं, बट जो अभी घर पे बैठे हैं, जो अर्बन एपथी या जो शहरों में रहने वाले हमारे लोग हैं वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं। हमारा यूथ है, वीमेन है, आप सब प्लीज़ आइए, अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करिए। जो हमारे स्पेशल पोलिंग स्टेशन हैं, पिंक पोलिंग स्टेशन 3 है, इसी तरह ग्रीन पोलिंग स्टेशन 3 है, यूथ पोलिंग स्टेशन और स्पेशली एबल्ड पोलिंग स्टेशन 3-3 है। इन सब में भी काफ़ी अच्छा उत्साह है और इन सबको हमने स्पेशली डेकोरेट किया है। यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं। जो लोग इन पोलिंग स्टेशंस के वोटर्स हैं उनसे मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक्सपीरियंस करें इन सब पोलिंग स्टेशंस को और जाके वहाँ पे अपना वोट करें। और वहीं कुलगाम के उप आयुक्त अथर आमिर ने भी कहा कि सभी पोलिंग स्टेशन पर शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग हो रही है। ओवरऑल सभी जगहों पे बड़े अच्छे स्मूथली इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। हमारे 372 पोलिंग स्टेशंस हैं 3 ACs में, कुलगाम, देवसर और DHpura में। सभी जगहों पे सुबह 5:30 से जो हमारे मॉक पोल की प्रोसेस होती है वो शुरू हुई, 7 बजे तक 100% पोलिंग स्टेशंस पे मॉक पोल वाज कंप्लीट। उसके बाद जो हमारा टाइम स्पेसिफाइड है 7 AM से सभी जगहों पे पोलिंग शुरू हो गई और व्हाट वी हैव बीन सीइंग इज सुबह से ही, इनफैक्ट 6:30 से ही काफ़ी जगहों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं इस समय अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, चाहे DHpura हो, कुलगाम हो, देवसर हो, सभी जगहों पे बहुत सारे लोग लाइनों में भी हैं और कंटिन्यूसली स्मूथली इलेक्शंस आर गोइंग ऑन। और पुलवामा की बात करें तो पुलवामा ASP PD नित्या ने कहा कि मतदान के लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं। टुडे वी आर सीइंग द फर्स्ट फेज ऑफ द 3-phase असेंबली इलेक्शंस। सो इन द फर्स्ट फेज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आज वोटिंग हो रही है। वी हैव 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड ऑलमोस्ट 45 पोलिंग स्टेशंस आर देयर। सो गुड टर्नआउट इज बीइंग सीन टिल नाउ, अराउंड 10% से ज़्यादा वोटिंग अभी हो गई है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द नंबर्स विल गो अप एज द डे पासिस एंड ऑल द गुड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैज बीन डन, द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस एंड पीपल आर free to come and vote. There are no restrictions as such, but yes, the security arrangements as such that no untoward incident would take. और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। अलग अलग पोलिंग बूथ पर कश्मीर के लोगों में उत्साह भरपूर नजर आ रहा है। तरक्की, डेवलपमेंट, बेरोजगारी के खिलाफ हम वोट करने जा रहे हैं। अमन अमान रहे, भाईचारा कायम रहे, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है। यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने यूथ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना परसेंटेज में वोटिंग करें। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के मसाइल के लिए, जो यहाँ पिछले सालों से मसाइल चलते आ रहे हैं उनका हल निकालने के लिए लोगों को ये उम्मीद है कि जब हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे उधर वो हमारी बात कहेंगे, हमारे जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं वो हमारे हाल हो जाएंगे। एक ही रास्ता है इसका, वो जमहूरी अमल है, इसके लिए हम यहाँ आए हैं वोट डालने के लिए और डालेंगे इसीलिए। और वहीं पुलवामा में अलग अलग पोलिंग बूथ के सामने मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव है। इस संदर्भ में हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने बात की मतदाताओं से, देखिए। पुलवामा में इस वक्त हम मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं सुबह से ही निकल कर आ रहे हैं, बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ पर निकल कर आए हैं। आपका नाम क्या है? गुलाम रसूल। क्या उम्र है आपकी? मेरे 60 साल है। अच्छा, आप ये बताइए कि इस बार जब आपने वोट डाला तो किस तरह का उत्साह आपके मन में था? मेरे मन में है कि जो जम्मू कश्मीर में इसमें थोड़ा राहत आ गई जी, और ये ना बेरोजगारी जवान है, ये तो जब नौकरी में लग जाएगी, इसलिए हमने ये वोट डाला।
जो कश्मीर की अमन और ये बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और सब ठीक ठाक हो गए, अमन का शांति हम चाहते हैं। अमन शांति होना चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए। आप बताइए आप क्या चाहते हैं? हमारा ये भी सोचा यही कि जो हमारा काम करेगा उसे कैंडिडेट बनाना है, वो राहत मिलेगा हमको, काम करेगा वो काम मुलाजिम लगेगा, वो कोई दूसरा काम है कोई करेगा उसे कैंडिडेट। अभी अभी तो आप वोट डाल चुके हैं, तो कैसे आपने डिसाइड किया, कैसे आपको विश्वास हुआ कि जो कैंडिडेट है आपका काम करेगा? वो क्या पता है, हम तो वोट डाल दिया इसलिए काम के लिए, हमारा कोई काम होना चाहिए, अगर कोई काम करेगा तो वो अच्छा रहेगा, नहीं करेगा तो दूसरा बार नहीं डालेगा हम वोट। चुनाव होना कितना जरूरी है और लोगों का चुनाव है सर की डेवलपमेंट का काम है, बाकी तामीरी तरक्की का काम है, जो बेरोजगार छोटे ये पढ़ा लिखा है MABS ग्रेजुएशन इनको रोजगार नहीं मिलती है सर की, लेकिन पिछले 10 साल ये बेकार है रहते, इसमें हमारे जवान गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगर वो कोई गवर्नमेंट आएगा जो अच्छे से बेरोजगारों को रोजगार देगा तो हमें अमन और शांति और बेरोजगारी यहाँ खत्म होना चाहिए। आपको लगता है युवाओं को जो सही रास्ते पर लाए वो सरकार होनी चाहिए? कोई गवर्नमेंट नहीं आया जो इनको रोजगार देगा, पढ़ा लिखा जवान है हमारे कश्मीर में, यहाँ तो पढ़े लिखे जवान बहुत है लेकिन रोजगार मिलते हैं वो आगे का मिलता है, यहाँ का इसके यूथ नहीं मिलता, जो कोई लीडर आएगा वो यूथ का अच्छा रास्ता दिखाएगा, वो यहाँ का मिला नहीं कोई लीडर, इसलिए हमें आज वोट इसीलिए डाला, अगर ये यूथ है ये इनको रोजगार मिलेगा हम बहुत खुश है अगर रोजगार इनको मिलेगा। तो युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, और ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर एक जमाना देखा है, सभी तरह की सरकारें देखी हैं, और उनका कहना है कि कहा बहुत कुछ गया लेकिन किया कुछ नहीं गया, और अब ये ऐसा नुमाइंदा चाहते हैं और ऐसी सरकार चाहते हैं जो इनके लिए वोट करे और जो कश्मीर की आगे की पीढ़ी है उसके लिए एक सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करें। रमा त्यागी, DD न्यूज, पुलवामा। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है, ऐसे में दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों के मतदान के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार कश्मीरी प्रवासियों के लिए 4 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये बूथ नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर कश्मीर रेजिडेंट कमीशन और शालीमार बाग में कश्मीर किसान घर, दिलशाद गार्डन में अरवाचीन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पापरावत में हैं, और कश्मीरी प्रवासी यहां पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर हमने वोट डाला कश्मीर के लिए दिल्ली में दिलशाद गार्डन में, बहुत अच्छा लगा, और ये सुविधा यहां रखी हमारे लिए माइग्रेंट्स के लिए, ये हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ अपनी जो हमारी असली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हमने वोट डाला है। और वहीं जम्मू कश्मीर में लोगों में मतदान के प्रति खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ खास तौर पर महिला मतदाताओं के लिए पिंक पोलिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं, और ऐसा ही एक पोलिंग स्टेशन किश्तवाड़ में स्थापित किया गया है। रामबन विधानसभा के मैत्रा पोलिंग स्टेशन को पिंक मतदान केंद्र बनाया गया है। मतदान केंद्र पर मतदान कराने से लेकर सुरक्षा की तमाम जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर है। पिंक मतदान केंद्र की तैयारी और मतदान केंद्र पर लोगों की बढ़ती भागीदारी पर आम मतदाताओं से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। देखिए, हम देख रहे हैं कि कतार में महिलाएं भी हैं, जो यहाँ के सुरक्षा का जिम्मा है, जो पुलिसकर्मी हैं वो भी महिलाएं हैं। और आपके दिल में क्या है जबकि आप वोट करने के लिए आई हैं? सर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ J&K। तो देखिए, ये बेटरमेंट ऑफ पीपल मतलब ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, लोगों के बीच में सुविधाएं बढ़े, ऐसी सरकार का गठन हो, ऐसा इन लोगों की चाहत है, ऐसा उम्मीद है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से इस बूथ को सजाया गया है, आप देख सकते हैं, वोट फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, और
इस बुत को सुंदर तरीके से सजाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ तक आ सकें। अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो भी महिलाएं हैं और जो सारी के सारी जिम्मेवारी जो है वो महिलाओं को दी गई है। इसका एक और मकसद है कि आधी आबादी जो है वो अधिक से अधिक लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले सके, इसलिए जो सारी के सारी जिम्मेवारी है वो महिलाओं के कंधे पर दी गई है। एक आदमी जबकि मतदान करने के लिए आता है तो उसके दिल में क्या होता है? दिल में ये होता है कि कोई हमारा नेता अच्छा हो जो जमीनी सतह पर काम करे, और अच्छा नेता हो, कोई रिश्वत वाला काम ना करे, कोई कुछ नहीं, ऐसा नेता चाहिए हमें। देखिए इनके वो ऐसा जो राज्य चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो उनकी बात को सुन सके, जिसके दिल में करप्शन की बात ना हो, वो जनता की आवाज़ को सुने। किस तरीके क्या का होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, बात करने वाला होना चाहिए, ग्राउंड लेवल समझे, जो लोगों की परेशानियां समझे। देखिए जो लोगों की परेशानी को समझे ऐसा नेता उनको चाहिए, ऐसे लोग उनको चाहिए। 10 साल के बाद हमारी ये इलेक्शन हो रही है असेंबली की, और हमारा यही विचार है कि अच्छी सरकार बने, मिलिटेंसी खत्म हो और हमारा देश तरक्की की तरफ चले। जो यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनके भी दिल में है कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद अगर चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ शांति हो, यहाँ तरक्की हो, जम्मू कश्मीर भी बाकी राज्यों की तरह एक बेहतर राज्य बने। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, रामबन। और इसी पर हमारे दो संवाददाता रामबन से हमारे साथ धीरज कुमार और पुलवामा से हमारे साथ ऋषि कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले धीरज का ही रुख करना चाहूँगा। धीरज, साफ तौर पर जैसा कि हमने आपकी रिपोर्ट के जरिए देखा भी और दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरह से अब की बार जो महिलाओं की भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो ताज़ा अपडेट दीजिए, ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं, वोट प्रतिशत कहाँ तक पहुँचा है और महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी अब की बार एक बड़ा संदेश किस तरह से देती हुई नजर आ रही है? देखिए अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 9 बजे के बाद जो परसेंटेज आएगा वो 11 बजे के करीब आएगा, 2 घंटे के बाद परसेंटेज हमारे पास पहुंचेगा। लेकिन अभी जो हम जहां मौजूद हैं, ये रामबन का जो मॉडल स्कूल है, मॉडल पोलिंग बूथ है, यहां पे हम मौजूद हैं और यहां पर लगभग ऐसा बताया गया है कि तकरीबन 28% जो मतदान है वो हो चुका है यहाँ तक। ये तो एक जो लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था और कश्मीर में जो जमहूरियत का जो जश्न, जिसकी जो वापसी हुई है, उसके उत्साह को दिखाता है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा ले रही है। हम अपने कैमरामैन को बताएंगे कि आप एक बार दिखाइए कि अभी लगभग कैसे यहाँ पर भारी संख्या में जो हैं वो महिलाएँ और पुरुष मतदान केंद्र पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि महिलाएं हैं और पुरुषों की तो खैर लंबी कतारें हैं जो कि हमें देखने को मिल रहा है। जहां तक अपने महिलाओं की भागीदारी की बात की तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए जो चुनाव आयोग की तरफ से जो तमाम तैयारियां की गई है उनके लिए पिंक बूथ, जैसा कि हमने दिखाया, पिंक बूथ बनाए गए, उनको सुंदर तरीके से सजाया गया, उसकी कमान महिलाओं को दी गई ताकि आधी आबादी को आकर्षित किया जा सके, उनको मतदान केंद्र तक लाने की जो प्रक्रिया होता है उसको पूरी की जा सके। और सुबह सुबह 7 बजे से ही हमने देखा कि मतदान केंद्रों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जहाँ तक बात पुरुषों की हो तो पुरुषों ने भी इस बार के मतदान में काफ़ी उत्साह दिखाया, क्योंकि 370 अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये पहली बार जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और जो हमने लोगों से बात की और जो आम प्रतिक्रियाएं आई है उन प्रतिक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण है कि घाटी में या जम्मू में जिस तरीके से शांति का माहौल कायम हुआ है, लोग चाहते हैं कि ये शांति कायम रहे। जिस तरीके से यहाँ विकास का कार्य हुआ है, चाहे वो रेलवे के जरिए विकास का कार्य हो या जो कनेक्टिविटी हो टनल के जरिए, जैसा कि हमने रामबन में देखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक जो टनल बना है 9 किलोमीटर का टनल है, तो उससे लोगों की कनेक्टिविटी कैसे बढ़ी है। जो वो जम्मू जाना चाहते थे तो उनको 5 घंटे कभी लगते थे, अभी 2 से 2.5 घंटे वो जम्मू पहुँच जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों ने पहली बार रेलगाड़ी देखी है, तो रेल के जरिए जैसे कनेक्टिविटी बढ़ी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो
भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का जो मैनिफेस्टो घोषित किया है उस मैनिफेस्टो में उन्होंने रामबन को टूरिस्ट हब बनाने की बात की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की एक बात यहाँ पे जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे तो एक बात उनकी महत्वपूर्ण थी कि देखिए ये रामबन का जो इलाका है इस इलाके से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो कश्मीर की घाटी का इलाका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस इलाके में कैसे शाम होते ही जो दहशतगर्दों की बंदूकें बोलने लगती थी, गरजने लगती थी, और किस तरीके से यहाँ शांति का माहौल वो कायम हुआ है। तो जिस तरीके से शांति और जिस तरीके से एक विकास की जो एक तस्वीर रामबन में देखने को मिल रही है, यहाँ के युवाओं को लग रहा है कि जो थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ है, ताकि उनकी कनेक्टिविटी बढ़ी है, बच्चे पढ़ाई के लिए यहाँ से जम्मू तक जा रहे हैं। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है रामगढ़ का कि यहाँ के जो बच्चे थे वो पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा पाते थे, बाहर निश्चित तौर पर धीरे धीरे तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो अब की बार इस चुनाव में बढ़ चढ़कर अपनी जो मुद्दे हैं वो तो साफ तौर पर नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही होगा जब 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे तो साफ तौर पर पता चलेगा कि अब की बार सत्ता में कौन काबिज होता है। तो ऐसे में ऋषि भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषि का रुख कर लेते हैं। ऋषि, आप पुलवामा की स्थिति देखें तो साफ तौर पर वोट प्रतिशत में अभी तक इजाफा कहां तक पहुंचा है, क्या आंकड़े आए हैं? दर्शकों के साथ सबसे पहले तो वो साझा करिए कि अभी ताजा अपडेट क्या है आंकड़ों को लेकर। देखिए गौरव, जहां तक आंकड़ों की बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक जो आंकड़े हैं वो हर 2 घंटे के बाद हैं। वैसे तो जो मतदान है सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था, लेकिन पहला आंकड़ा उन्होंने 9:30 बजे इशू किया, तो अब उस हिसाब से 11:30 बजे ये आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन जहां तक मैं जिस बूथ पर खड़ा हूं, मैंने सुबह से देखा है 4-5 बूथ हैं यहां पर, इनमें से इस बूथ पर काफ़ी भीड़ देखी गई थी, और अभी तक जो आंकड़े बता रहे हैं तकरीबन 26% मतदान यहां पर हो चुका है। और सुबह जो आंकड़े थे जो ओवरऑल 9:30 बजे तक के, तो वो तो 11.11 के पूरे प्रथम चरण के थे, लेकिन अगर मैं यहाँ जो मतदाताओं के ट्रेंड की बात करूँ तो इस समय जो पूरी स्थिति है करीब करीब बूथ पर बदल चुकी है। मैं अपने कैमरामैन साथी अनिकेत से कहूँगा कि उन दृश्यों को दिखाएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की भागीदारी अब दिखाई दे रही है। हम जानते हैं कि अभी 219 जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में है, जिसमें से मात्र 9 महिला उम्मीदवार के तौर पर ही अभी इस चरण में देखी गई हैं, लेकिन उनकी अगर संख्या की बात करें तो संख्या 11 लाख तकरीबन 50,000 के आसपास मतदाता हैं। और इन मतदाताओं के रूप में जब ये लाइन हम देखते हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की लाइन है, तो ये संकेत देता है कि जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो किस तरीके से यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि महिलाओं को राजनीतिक दलों ने टिकट कम दिए हैं लेकिन यहाँ जो उनकी भागीदारी है वो कम नहीं है। तो मुझे लगता है इसका असर आने वाले चुनावों में दिखाई देगा कश्मीर में, कि जिस तरीके से महिलाएं अब घरों से निकलकर मतदान के लिए बूथ तक पहुंच रही हैं, हालांकि सुबह कम निकल रही थी, लेकिन भी काफी अब की बार कारगर साबित होती हुई नजर आई हैं, क्योंकि साफ तौर पर यही तो है कि पहले जो डर था वो अब नहीं है। और यही होता है कि जब महिलाएं किसी ऐसे लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई अपनी भागीदारी निभाती हुई नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो बदलाव की बयार है वो साफ तौर पर इन खूबसूरत तस्वीरों के जरिए देखी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी की पूरी इस समय जो घटनाक्रम को अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये जिस तरीके से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जो घाटी में एक माहौल इस बात का पैदा हुआ है कि जो इमोशनल इश्यूज हुआ करते थे उनकी बजाय जो रियल ग्राउंड इश्यूज हैं उनके ऊपर वोटिंग देखने को मिल रही है। चूँकि महिलाओं के सरोकार बहुत ज़्यादा सुरक्षा से जुड़े हुए ज़्यादा रहते हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि अब उन्हें जो यहाँ जो माहौल दिखा है उन्हें लगता है कि इस माहौल को अब और ज़्यादा मजबूत करना है, शांति के प्रयासों में वो भागीदार बनना चाहती हैं लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से, और इसी वजह से वो घरों से निकलकर मतदान के माध्यम से अपना एक संदेश भी मुझे लगता है देना चाहती हैं कि कश्मीर को अब अमन चैन चाहिए, कश्मीर को रोज़गार और डेवलपमेंट चाहिए। तो इस तरीके से ये इसका एक व्यापक असर दिखाई देगा आने वाले समय में, जबकि हमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के तौर पर जो देखा है अभी 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे और उसके बाद ये तत्काल उसके बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, दोनों ही चुनावों में हमने कोई अंतर नहीं देखा है,
उस समय भी भारी तादाद में लोग घरों से निकलकर वोट कर रहे थे और इस समय भी वो घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं। बिल्कुल ऋषि, आप बने रहिए हमारे साथ। धीरज, आपसे चाहूंगा कि आप ये बताएं कि जिस तरह से अब की बार हम देख रहे हैं कि जो वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा यहाँ पर साफ तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है, हमने लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही कमोवेश तस्वीर देखी थी जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई थी और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया था। अब की बार भी हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि शाम तक जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो एक रिकॉर्ड कायम कर सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी जिस मतदान केंद्र पर हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि 28% तक मतदान हो चुका है जबकि अभी 11 बजे हैं, तो अभी जो शाम तक का वक्त है ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार का जो मतदान केंद्र है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने यहाँ देखा कि 58% मतदान हुआ। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो जम्मू कश्मीर के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ जबकि 8 से 10 या 12% मतदान होता था तो लोग इसको जमहूरियत का जश्न कहते थे, जश्न मनाते थे कि जम्मू कश्मीर में हमने चुनाव कराया और जम्मू कश्मीर में 12% मतदान हो गया। लोकसभा चुनाव में वो समीकरण बदला और हमने देखा कि मतदान का प्रतिशत 58% तक बदला। और मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो मतदान विधानसभा के चुनाव में हो रहे हैं और जिस तरीके से लोगों की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी हो रही है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे आप, देर शाम तक आंकड़े आएंगे और ये आंकड़ा जो 60% से जरूर अवश्य जाएगा, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि जो लोकतंत्र के इस महापर्व में जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, उनकी भागीदारी बढ़ चढ़ कर है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से एक शांति का माहौल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में ये कहा जाता था कि जबकि मतदान के समय, मतदान से एक दो दिन पहले जो छिटपुट हिंसा की घटनाएं होती थी या डराने की कोशिश की जाती थी या राजनीतिक दलों के कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि मतदान के बहिष्कार की बात करते थे कि मतदान में हिस्सा नहीं लेना है, इसके लोगों को डराते थे, तो जिस तरीके से जो डर का जो माहौल है, जो आतंक का जो माहौल है, उस माहौल से निकलकर इस बार जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं, तो जरूर ये देखने वाली बात होगी कि शाम में जो मतदान का जो प्रतिशत है वो आपकी बार देखने को मिल रहा है कि लोग जो उनकी भागीदारी है वो किस तरह से आपकी बार देखी जा रही है और साफ तौर पर एक बड़े रिकॉर्ड की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव तो दशकों बाद हो रहे हैं लेकिन ये दशक अपने आप में एक बड़ी बदलाव और बड़ी तस्वीर को पेश करता हुआ भी नजर आ रहा है। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ धीरज भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां ग्राउंड जीरो से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। हरियाणा राज्य विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने एक सीट इंडी गठबंधन के तहत CPIM के लिए छोड़ी है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र को गारंटी पत्र का नाम दिया है। वहीं 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने निर्दलियों और JJP के बूते राज्य की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा था। कांग्रेस का गारंटी पत्र जारी होने के बाद राष्ट्रीय नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए उतर सकते हैं। राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में कई रैली और रोड शो किए जाने की उम्मीद है। और वहीं हरियाणा के लिए बीजेपी कल रोहतक में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रोहतक पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल रोहतक में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे और इस दौरान राज्य के प्रमुख बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए इस बार चुनाव लड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी के संकल्प पत्र में हरियाणा के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ साथ कई अहम ऐलान भी किए जा सकते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
प्रदेश भर में धुआंधार प्रचार और जनसभाओं का दौर जारी है। बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। दरअसल 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए मतदान होना है। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। और आइए आगे बढ़ते हैं। आतिशी के दिल्ली की नई सीएम बनने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से आतिशी के विभागों में हुए घोटालों को लेकर सवाल पूछा है। आतिशी जी को दिल्ली का मनमोहन सिंह बनाया गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है। सवाल ये है कि आतिशी जी के खुद के विभाग में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। एजुकेशन देख लो तो वहाँ पर शिक्षा और क्लासरूम घोटाला हुआ है। एजुकेशन की हालत क्या है दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया है। पीडब्ल्यूडी में शीश महल घोटाला हमने देखा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से बाकी निर्माण कार्य में भी घोटाला हुआ है। जल विभाग में दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ है, वहाँ पर कैसे बच्चे हमारे डूब के मर गए, दिल्ली कैसे जलमग्न हो गई, वो भी हमने देखा है। शराब घोटाले में उनकी तो खुद की भागीता है, क्योंकि विजय नायर उन्हीं को रिपोर्ट करते थे और गोवा की इंचार्ज थी। आज से ड्रामा पार्ट टू शुरू होने वाला है, जहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल जी फिर से वो मफलर लगाकर, फिर से वो पुराना वाला लुक लगाकर, वो थोड़ी सी ढीली ढाली शर्ट वर्ट पहनकर अब वो बोलेंगे कि मैं ये शीश महल छोड़ रहा हूँ। फिर आतिशी जी बोलेंगी नहीं नहीं सर आप ही को रहना है। फिर बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं झुग्गियों में जा रहा हूँ, मैं ब्लू वैगनार में जा रहा हूँ। फिर ये सब जो है ये आज से इसका शुरुआत होने वाला है। और वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और विधायक दल की नेता आतिशी पर निशाना साधा है। किरण रिजिजू ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। साथ ही दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि केजरीवाल जैसे लोगों को दिल्ली में कभी जगह नहीं देनी चाहिए। ऐसे अराजकतावादियों को चुनकर दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ी गलती की है। केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बना करके बहुत पछता रहा है। अब 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो अब किसको मुख्यमंत्री बनाए हम तो उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि चाहे केजरीवाल मुख्यमंत्री हो या किसी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नाम से जुड़ा हुआ कोई मर लेना मुख्यमंत्री बने तो भी हमारा उस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता आने वाला चुनाव में आम आदमी को नकार देंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग पछता रहे हैं। और वहीं मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर का आज 18वां दीक्षांत समारोह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह को संबोधित करेंगी। साथ ही 600 बेड वाले नए छात्रावास अरावली छात्रावास का उद्घाटन भी करेंगी। वहीं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। इस दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए BTech, BArch, MTech, MPlan, MBA, MSc और PhD के लिए कुल 1361 डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। समारोह के दौरान MNIT जयपुर में पहली बार डायरेक्टर्स आउटस्टैंडिंग गोल्ड मेडल अवार्ड भी प्रदान किया जाएगा। संस्थान ने NIRF में इंजीनियरिंग संस्थानों में 43वां और सभी NIT में 8वां स्थान प्राप्त किया है। MNIT जयपुर ने शैक्षणिक प्रस्तावों का विस्तार करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना की है और भविष्य में 2 नए BTech कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह से लगभग 75 स्थान वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। ये भारत की भावी पीढ़ियों को अधिक वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वित्त मंत्री NPS वात्सल्य की सदस्यता लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगी, योजना विवरणिका जारी करेंगी और नए नाबालिग ग्राहकों की स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी कि PRAN कार्ड वितरित करेंगी। बच्चों के भुगतानकर्ता PRAN कार्ड के साथ NPS वात्सल्य में शामिल होंगे। ये नए पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने निर्माण भवन में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के लोगो और ब्रोशर का अनावरण किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
SAI द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन 20 से 21 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। खाद्य सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि शिखर सम्मेलन खाद्य नियामकों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने पर दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करने के लिए एक वैश्विक मंच तैयार करेगा। साथ ही JP नड्डा ने कहा कि ये पहली बार होगा कि क्षेत्रीय खाद्य नियामक सम्मेलन रोम के बाहर आयोजित किया जा रहा है और इसकी मेजबानी करना भारत के लिए गर्व का क्षण है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष द्वारा वैज्ञानिक विधि से सर्वे की मांग पर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष द्वारा ये जोर देकर कहा गया था कि बिना खुदाई के सर्वे संपूर्ण नहीं हो पाएगा। हिंदू पक्ष द्वारा 5 वादिनी महिलाओं के केस में की गई ASI सर्वे की खामियों को भी उजागर किया गया था। साथ ही ASI से खुदाई के माध्यम से भी सर्वे करने की मांग की गई थी। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख दी थी। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान को प्रोत्साहित करने की तैयारी में है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अगस्त के दूसरे सप्ताह से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था। अब तक मंत्रालय द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानों पर अपने क्षेत्रीय कार्यालयों समेत लगभग 7,000 वृक्षारोपण किए गए हैं। वहीं 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के दौरान वृक्षारोपण अभियान में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल को जरूरी बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गरीब मुसलमानों को इससे फायदा होगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो गुमराह किया जा रहा है, गलत बातें किया है लोगों ने, जैसे जाकिर नाइक जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन, झूठे बातें करके लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सही बात बताएंगे और ये किसी का ज़मीन हड़पने का कोई इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। इस देश में कानून चलता है, संविधान से देश चलता है, और हम चाहते हैं कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है वो गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं बच्चों के लिए काम में आना चाहिए। उधर उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लोगों को 825 आवासों का वितरण किया गया। इस अवसर पर लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और उन्हें धन्यवाद भी दिया। इस कार्यक्रम में विधायक पलटू राम ने 825 आवासों के लाभार्थियों को गृह प्रवेश की प्रतीकात्मक चाबी और प्रमाण पत्र दिया। विधायक पलटू राम ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मानव जीवन के लिए सबसे पहली आवश्यकता है उनके अपने घर की आवश्यकता। आज हम ये कह सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के उस संकल्प को पूरा करने का काम कर रहे हैं। चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे हमारे अपर समाज के लोग हों, आज मोदी जी के और योगी जी के दृष्टि में हर भारतवासी को इस देश में अपना घर बनाने का जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हम उनका घर बनाने का काम कर रहे हैं। और वहीं कार्यक्रम में जिलाधिकारी पवन अग्रवाल एवं परियोजना निदेशक राघवेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 से 25 के नवीन लाभार्थियों के खातों में प्रथम किश्त का हस्तांतरण भी किया गया। योजना निदेशक राघवेंद्र तिवारी ने कहा कि 825 अल्पसंख्यक परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। पुराना हमारा सर्वेक्षण 2018-19 में हुआ था, उस सूची से हमारे कुछ लाभार्थी अवशेष रह गए थे। उसके ही क्रम में शासन द्वारा ये लक्ष्य दिया गया था कि इनको हमको स्वीकृत करना है। उन सभी अवशेष लाभार्थियों में जो पात्र व्यक्ति थे, पात्र परिवार थे, उनमें 825 परिवारों को, और वो सभी अल्पसंख्यक समुदाय के थे, सबको आज हम लोगों ने सैंक्शन कर दिया है और आज उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उनके खातों में प्रथम किस्त आज अंतरित होने वाली है। और कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों ने भी अपना अनुभव साझा किया। लाभार्थियों ने कहा कि मोदी और योगी सरकार ने उनके अपने घर का सपना पूरा किया है।
आज हम विकास भवन आए थे, क्या बोलते यहाँ पर हमें कल तो प्रमाण पत्र मिला है आवास के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया है मोदी जी का। अभी तक कोई आवास नहीं मिला था, 10 साल के बाद अब मिला है। हाँ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम था, चाबी और ताला दिया गया। हम लोग आज के बेघर थे, जो हम लोगों को घर मिला, हमारे बच्चे और हम लोग खुश हैं। मोदी सरकार और योगी को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास कच्चा मकान था, आवास हमें नहीं मिला रहा 10 साल से, और हमें मोदी सरकार ने आवास दिया, घर बनवाया, हमारे बच्चे हैं, हमारा हाथ, हम खुश हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। संजौली मस्जिद विवाद के बाद अब कसुमटी में बनी मस्जिद को लेकर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद के बाद अब कसुमटी में बनी मस्जिद को लेकर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कसुमटी के स्थानीय लोगों ने मस्जिद को अवैध बताया है और 2 बार मस्जिद के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया है। मामले को लेकर आज कसुमटी के लोगों ने डीसी शिमला को ज्ञापन सौंपकर मस्जिद को गिराने की मांग की और कहा कि कसुमटी में अवैध रूप से मस्जिद बनी है और नगर निगम इसको गिराने के आदेश दे चुका है, जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग यही कह रहे हैं कि आप यहाँ से इस जो मस्जिद को हटाया जाए, जो ये अवैध निर्माण है, जो ये ऊपर ये एक मंजिला इमारत जो खड़ी करी है, इसको तोड़वा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर एक एक रिहायशी मकान हुआ करता था, तो ये वह उसी रूप में ही जो है ये ढांचा बनाया जाए, ना कि जो ऊपर उन्होंने बना दिया इसको तोड़ दिया जाए। इसके साथ ही पूर्व उप महापौर राकेश शर्मा ने बताया कि कसुमटी में बाहरी राज्यों से आए लोगों ने अवैध मस्जिद का निर्माण किया है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। उनका कहना है कि क्षेत्र में मुस्लिम आबादी नहीं है और फिर भी यहां मस्जिद में 200 लोग नमाज के लिए पहुंचते हैं। एक ही डिमांड थी कि जो पिछले कुछ समय में मस्जिद के नाम पर अवैध लोगों का जमावड़ा कसुमटी बाजार में हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमने जो है नगर निगम जो है डीसी साहब को ज्ञापन दिया बाजार के लोगों की तरफ से, क्योंकि ये मस्जिद है ही नहीं। कागजों में मस्जिद है परंतु रेजिडेंशियल एरिया होने के तहत मुमताज बेगम के नाम से 99 साल की लीज पे वक्फ बोर्ड ने दी, और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि इसका मालिकाना हक केंद्रीय सरकार का है और कब्जाधारी तारुल इस्लाम है। तो क्या कब्जाधारी बिना मालिक को पूछे रिपेयर करवा सकता है या अन्य गतिविधियां करवा सकती है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, बिना पूछे गतिविधियां वहां पे रिपेयर की या निर्माण की क्यों चल रही हैं? स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने उपायुक्त शिमला से मामले को लेकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र का माहौल खराब ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे स्वच्छता ही सेवा अभियान की। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में कई जगह सफाई अभियान चलाए गए, साथ ही स्वच्छता रैलियों का आयोजन कर लोगों को सफाई के लिए जागरूक किया गया। इस महाअभियान में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है, लोग महात्मा गांधी के स्वच्छता के संदेश को आगे पहुंचाने में लगे हुए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में भी इस अभियान के तहत काफी जगह स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम हुए। आगरा में ताजमहल के पश्चिमी पार्किंग के पास शीश महल पर आयोजित स्वच्छता अभियान का शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ स्वच्छता पखवाड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा, जो पूरे देश और प्रदेश के लोगों को स्वच्छता को अपना कर स्वस्थ रहने का संदेश देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री के द्वारा जो शुरुआत हुई स्वच्छता अभियान की, उसका संदेश साफ था और आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि आज से हम लोग सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश में आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक के विभिन्न कार्यक्रम, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था हो, स्वच्छता के अभियान को गति देने की बात हो, ये आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जो देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके जन्मदिन के अवसर पर आज शुरुआत हो रही है।
वहीं प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने भी आजमगढ़ में बड़ा गणेश मंदिर में प्रांगण में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई, साथ ही सफाई कर्मियों को सुरक्षात्मक स्वच्छता किट भी वितरित की गई। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पहुंचकर स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वयं नाली की सफाई अभियान में हिस्सा लेकर प्रदेश के लोगों को स्वच्छता ही सेवा है का संदेश दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने स्वच्छता अभियान का नारा देकर पूरे देश को स्वच्छ करने का काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हैं और देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बाद स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने वाले दूसरे अगर कोई देश में पैदा हुए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने चिंता किया कि देश में जो बीमारी है इसको दूर करने के लिए, गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए हमको स्वच्छता अभियान को पूरे देश में इसको चलाने की जरूरत है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के जरिए राजनेता, छात्र, सरकारी अधिकारी और आम नागरिक एक स्वच्छ भारत की दिशा में काम करने के लिए एक साथ मिलकर सामुदायिक भागीदारी की शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में स्वच्छता पखवाड़े को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और तेली बांधा तालाब परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। विष्णुदेव साय ने स्वच्छता दीदियों और शहर को स्वच्छ बनाने में सहभागिता देने वाले सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित भी किया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाना चाहिए। स्वच्छता ही सेवा है ये पखवाड़ा पूरे देश में इसका शुभारंभ हो रहा है और स्टेप बाय स्टेप 15 दिन तक के कार्यक्रम चलेंगे और साफ सफाई भी होगा। सार्वजनिक स्थलों का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, स्कूल, अस्पताल, सबका, अपने अपने घरों का भी, सबको एक आदत में इसको लाना चाहिए स्वच्छता अभियान को। सीएम विष्णुदेव साय ने इस मौके पर आयोजित स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सीएम साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2014 में पीएम मोदी ने देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। इसके बाद से ही घर घर में शौचालय बनाने के लिए सहायता राशि दी गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार गरीबों और वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। 15 अगस्त 2014 के स्वच्छ भारत मिशन के हमारे प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करें और तब से 12,000-12,500 रुपया देना शुरू करें। जगह जगह सामुदायिक शौचालय वगैरह का निर्माण शुरू हुई, तब से हमारे माता बहनी मन के सम्मान भी बढ़ी। गरीब के बेटा ही गरीब के दुख दर्द ला जानी, बड़े बड़े शहर में रहिया पैदा होने वाला मनोबनी जाने कि गांव में गरीब मन के समस्या का होते, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी इस सबला अच्छा से जानते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें अपने गांव, शहर, मोहल्ले को स्वच्छ रखने के साथ स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार की बात करें तो बिहार के भागलपुर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई। इस मौके पर गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी गई।
और आइए अब अन्य खबरों का रुख करें। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 19 से 22 सितंबर तक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। ये मेगा फूड इवेंट नीति निर्माताओं और नियामकों, वैश्विक निवेशकों, व्यवसायी लीडर्स और प्रमुख वैश्विक और घरेलू खाद्य कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। इस आयोजन की तैयारियों और खासियतों को लेकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मिनहाज आलम से बातचीत की हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन होने जा रहा है। क्या कुछ खासियत है और क्या कुछ मकसद है इस आयोजन का, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मिनहाज आलम साहब हैं। सर, एक बड़ा आयोजन आप करने जा रहे हैं, कई स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होंगे। जिस तरीके से भारत लगातार खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इस सम्मेलन का मकसद और खासियत क्या रहेगी? वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का शुभारंभ 19 सितंबर को हो रहा है। ये तीसरा एडिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया का। इसका जो मेन जो उद्देश्य है, पर्पस है, यह है कि सभी स्टेक होल्डर्स को फूड प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन सेक्टर में एक जगह लाना, उसके अलावा भारत में इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को प्रमोट करना, और जो भी इश्यूज हैं फूड रेगुलेशन के, उसको भी ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट के द्वारा डील किया जा रहा है। उसके अलावा रिवर्स बायर मीट हो रही है, जिसमें इंडियन इंडस्ट्री को इंटरनेशनल बायर के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि यह हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका इंटरनेशनल आउटरीच हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार यही रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से नए नए स्टार्टअप इसके अंदर आ रहे हैं, और जितनी तेजी से ग्रोथ इस सेक्टर में हुई है, आपको लगता है कि रोजगार के लिहाज से ये एक सेक्टर युवाओं के लिए एक बड़ी जगह बनाने जा रहा है? इस सेक्टर में रोजगार का बहुत ज़्यादा स्कोप है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का यही इम्पोर्टेंस है कि हमारे यहाँ जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस करने, वैल्यूएट करने की बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी हमारे प्रोसेसिंग लेवल जो है काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं, पर एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और ये सेक्टर भारत के लिए एक प्रोमिसिंग और सनराइज सेक्टर है। ये एक बहुत बड़ा शोकेस होगा दुनिया भर के देशों के लिए कि खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत लगातार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अपने कैमरामैन शिव के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। और खेल की खबरों की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच आपको बता दें कि 2+2 अंतर सत्रीय वार्ता संपन्न हो चुकी है, और वार्ता के दौरान द्विपक्षीय रणनीतिक और रक्षा प्राथमिकताओं के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने नवंबर 2023 में हुई 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद से हुई कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, और दोनों देशों ने रणनीतिक सहयोग, रक्षा प्रौद्योगिक सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री डोमेन जागरूकता, त्रिपक्षीय सहयोग सहित कई क्षेत्रों में हुए विकास का जायजा लिया। भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा विभाग के अधिकारी 16 सितंबर को हुई इस 2+2 अंतर सत्रीय वार्ता में शामिल हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों देशों के बीच चर्चा के केंद्र में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ द्विपक्षीय रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को शामिल किया गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के सदस्यों के हजारों पेजर में विस्फोट हुआ है, और इस धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 3,000 हिजबुल्ला के सदस्य इस धमाके में घायल हुए हैं। वहीं हिजबुल्ला ने पेजर विस्फोट के लिए इसराइल को दोषी ठहराया है। हिजबुल्ला के मुताबिक ये अपने आप में पहली और सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है। इस घटना में लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी भी घायल हुए हैं। अमेरिका ने लेबनान में हुए पेजर विस्फोटों में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार कर दिया है। पेंटागन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अमेरिका को घटना को लेकर कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। अमेरिका घटना को लेकर अपनी ओर से जानकारी जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अगले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने ये बात अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कही। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को शानदार कहा। अमेरिका में इस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेन का दौर चल रहा है, और उनका मुकाबला भारतीय मूल की डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस से है।
दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका की यात्रा पर होंगे। इस दौरान वो क्वाड समूह के चौथे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ट्रंप के प्रधानमंत्री मोदी के साथ मधुर संबंध रहे हैं। जब ट्रंप 2020 में भारत आए थे तब भी दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली थी। He happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing. They're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They are at the top. You know the expression, they're at the top of their game. और हंगरी के बुडापेस्ट में चल रहे 45वें शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला चीन से होगा, वहीं भारतीय महिला टीम का मुकाबला जॉर्जिया से होगा। छठे दौर में पुरुष टीम ने मेजबान हंगरी को 3-1, जबकि महिला टीम ने आर्मेनिया को 2.5 से 1.5 से हराया था। वहीं ओपन वर्ग में अर्जुन एरगेसी ने अब तक 6 बाजियों में 6 अंक जुटाए हैं, जबकि डी गुकेश ने 5 बाजियों में 4.5 अंक हासिल किए हैं। भारत के 12 अंक हैं और चीन के खिलाफ मुकाबला महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शीर्ष वरीय अमेरिका और गत चैंपियन उज्बेकिस्तान क्रमशः 9 और 10 अंक के साथ काफ़ी पीछे है। विश्व चैंपियन डिंग लिरेन शीर्ष बोर्ड में गुकेश के साथ उनके खिलाफ उतर सकते हैं। वहीं लगातार 6 जीत के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने की ओर मजबूत कदम बढ़ाने के इरादे से उतरेगी। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।